का तालियों से स्वागत किया जाए। पंकज भार्गव सर का, जो कि लगातार 23 इयर्स से जर्नलिज्म के फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, और सर किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है सर, आई मस्ट टेल यू। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे बारे में मैम ने जो कुछ बोला है उसमें थोड़ा मैं ऐड ऑन करता हूँ। मैंने अपने करियर की जो शुरुआत है, मुझे मालूम नहीं था, आप लोग तो बहुत पढ़ते हैं अपना सब्जेक्ट, आपको पता है मास मीडिया क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है। हमारे वक्त में तो ये सब चीज़ें थी नहीं, हमें तो था कि माँ बाप की तरफ से कहा जाता था फौज में जाओ, IAS बनो, HAS बनो, ये करो वो करो। तो मुझे शुरू से थोड़ा ये था कि कुछ थोड़ा डिफरेंट करना है, जो सब करते हैं वो नहीं करना, थोड़ा सा अलग करना है। तो जब मैं क्लास 12th में आया तो थोड़ा वॉइस चेंज होता है, तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि अगर आवाज़ डिफरेंट है तो आवाज़ का कैसे उपयोग किया जा सकता है, कैसे उसको यूज़ में लाया जा सकता है। तो पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो वॉज द ओनली ऑप्शन एट दैट टाइम। माई सेल्फ आरिश खान। एंड क्या नाम है? आरिश खान। आरिश खान, क्या मायने होते हैं इसके? आरिश मीन्स इन्फिनिटी, हु नेवर्स एंड। अच्छा। एंड सर, फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट टू नो, एज आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई बैचलर्स इन द मास मीडिया ओनली, सो वाइल रिपोर्टिंग, जब कोई भी एज अ एंकर या रिपोर्टर रिपोर्ट करता है और किसी क्रिटिकल सिचुएशन को अगर हम ऑडियंस को बता रहे हैं, तो उस समय एक जर्नलिस्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आजकल लोग भूल गए हैं, आजकल एंकर्स भी 10 चीजें अपने दिमाग में रख के सवाल पूछते हैं। नहीं, रिपोर्टाज टीवी पे जो आपको दिखता जा रहा है वो आप उसको एक्सप्लेन करते चले जाएं। आपको ये पता है कि ये इतने बजे हुआ, ठीक है, इसमें इतनी सवारियां थी, ये ट्रेन हावड़ा से कहां जा रही थी, ये कौन सा स्टेशन है, प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, सिग्नल की प्रॉब्लम थी, ट्रैक से डीरेल हो गई तो क्या कारण था, क्या हो सकती है। हाँ, तो आपको जब तक कि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन ना हो किसी स्टेशन मास्टर से, किसी टेक्निकल बंदे से, क्योंकि धीरे धीरे स्पॉट पे लोग आने शुरू हो जाते हैं, कितनी एम्बुलेंसेस आ रही हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मान लीजिए वो तो बहुत 400 लोग मर गए थे तो इतना नंबर बढ़ जाएगा डेथ्स का, क्रिटिकली इंजर्ड इतने हैं, तो आसपास कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहाँ ले जाएंगे। फिर जो एक ट्रेन आती है स्पेशल जो तमाम रिकवरी के लिए आती है, उसमें डॉक्टर्स वॉक्टर्स आते हैं, SDRF NDRF कब तक पहुँच रही है, तो आपको जो जो दिखता चला जा रहा है उसको धीरे धीरे डेवलप करते चले जाते हैं आप। नमस्कार सर, मैं प्रज्ञा। अच्छा, शब्द जो है ना बेटा वो होता है नमस्कार। नमस्कार। श अभ्रंश है, श इज नो वर्ड, आधा स, तो नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रज्ञा मिश्रा। मेरा सवाल यह है कि मतलब जब भी कोई आप लाइव सेशंस करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो सामने वाले को वो गलती समझना है, उस टाइम पे उसको कैसे फेस किया जाता है? मतलब उसको डायरेक्ट, मतलब तुरंत ही, जैसे कोई होता है नर्वस हो जाता है या कभी कभार कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो उसको कैसे फेस करना चाहिए? तो एक बड़ा मशहूर शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मैंने खुद बताया आपको कि जब भी कोई साइंस का सब्जेक्ट होता है तो मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ उसमें। स्पोर्ट्स मुझे आता है, लेकिन स्पोर्ट्स भी ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई पूछ ले कि फीफा में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, वो चल, कई बार वो भी करनी पड़ जाती है एंकरिंग। क्रिकेट का मोटा मोटा पता है क्योंकि इंटरेस्ट रहता है ना क्रिकेट में, तो हर भारतीय को इंटरेस्ट रहता है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन मैंने खुद खेला है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मुझे नहीं पता होते। लेकिन एंकर का काम क्या, एंकर का काम है आपको तो सवाल पूछने हैं, आपके साथ कोई ना कोई तो होगा ही, है ना, कोई गेस्ट होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होगा। तो अगर आपको, आप ये कर लीजिए कि आप बिल्कुल आम दर्शक बन जाइए, आम ऑडियंस बन जाइए, आम सिटीजन बन जाइए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज तान्या, आई वांटेड टू बिकम एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट। सो बेसिकली व्हाट आर द क्वालिटीज वन शुड हैव टू बिकम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? सो आपको क्या करना है कि आपको अपने छोटे छोटे ऑडियो बनाने हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने किया, अभी इसमें घबराहट भी थी, इसमें थोड़ा सा एकदम से मैंने बोल दिया वो भी था, तो आप किया ये कीजिए कि आप अलग अलग जॉनर की, उसमें मिमिक्री, एक ना आपकी शक्ल भी ऐसी लगती है मुझे कि
वो आपकी आवाज़ में झलकेगी वो चीज़, है ना। तो मतलब यू आर वेरी प्लेजेंट, वो आप लग रहा है कुछ आइडिया है बीच में, अभी आप मेरे सामने एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे वैसा वाला, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। कई बार होता है ऐसा कि आपके अंदर होता है आप कर सकते हो, अभी यहाँ से हट जाओगे तो शायद बहुत अच्छा कर लोगे। तो वो चीज़ जो है वो प्रैक्टिस आप अपने ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर देखिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसी कैसी आप कर सकती हैं, और फिर धीरे धीरे आजकल तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनको आप अपने ऑडियो चंक्स भेज सकते हैं, है ना। तो वो आप करिए।